सिरमौर जिला दलित शोषण मुक्ति मंच अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 नवंबर से हस्ताक्षर अभियान आरंभ करेगा। पूरे देश से हस्ताक्षर होने पर इसको महामहिम राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। नाहन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच के जिला अध्यक्ष आशीष कुमार ने बताया कि हाल ही में उनका राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हुआ था, जिसमें 11 सूत्रीय मांगों को तैयार किया गया है। इन मांगों को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाने का फैसला किया गया है। इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि जो हैदराबाद के अंदर जो दलित समिट हुआ था राष्ट्रीय स्तर का 26-27 अगस्त को, उसमें हमने 11 सूत्रीय जो मांग पत्र वहाँ चिन्हित किए थे, उसके तहत हमने 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान का जो लक्ष्य रखा है, वो हस्ताक्षर अभियान हम करके दिसंबर के माह में राष्ट्रपति महोदया को भेजेंगे। दूसरा हमारा जो इसमें मुख्य लक्ष्य है कि 85th अमेंडमेंट जो है, जो प्रमोशन में आरक्षण का अभी तक वो लागू नहीं हुआ है, हम उसको लागू करने की मांग कर रहे हैं। दूसरा जो बैकलॉग भर्तियाँ हैं जो पैट के माध्यम से हुई है, SMC के माध्यम से हुई, बाद में वो लोग नियमित हो गए, सरकारी पॉलिसी के तहत तो नियमित कर दिया, लेकिन उसमें जो SC के लोगों का, अनुसूचित जाति के लोगों का, OBC के लोगों का बहुत अधिक बैकलॉग जो बचता है, उसको भरने के लिए अलग से भर्ती प्रक्रिया सरकार को करनी चाहिए।